अरिजीत शाह की तरफ से, जैसे कि अभी काफ़ी टाइम पहले ही उसे आया हुआ था बिल्ड, काफ़ी टाइम से कमेंट काफ़ी लोग किए हैं, तो अब जाकर के इसका वीडियो बना रहा, क्योंकि अभी जो है कुछ दिनों से लगातार ऑफिशियल अपडेट्स देखने को मिल रहे थे एंड्रॉयड 12, 12.1, 12L, इन सब का तो उन पे बिजी था, बट अभी जाकर के जो है यहाँ पे इसका रिव्यू भी अब कर दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट किए थे इस चीज़ के लिए, इस रोम के लिए, कि कोरवस का जो 5.5 का अप्रैल फूल वाला जो बिल्ड आया हुआ है इसका वीडियो बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं जो है मेन फोकस करूँगा बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, एंड्रॉइड स्कोर, इन सभी के बारे में ज़्यादातर, और क्या कुछ ट्विक्स ऐड किए गए उन सभी के बारे में, और जो सेटिंग्स मेन आपको मिलती है ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना रखा हूँ 5.5 की, तो सेटिंग्स आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो पहले की वीडियो देखोगे तो सेटिंग्स वही सेम रहने वाली है, क्योंकि बिल्ड जो है वही रहता है, इसलिए इसके जो मेन सेटिंग्स कोरवास की मिलती है 5.5 में वो आपकी पूरी सेम रहेगी, इसलिए आप पहले की वीडियोज़ देख लें। फिलहाल इसमें हमें क्या कुछ मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बनी रहेगा। तो जैसे कि कोरवस का एंड्रॉयड 10 बिल्ड है ये, और कोरवस वर्जन 5.5 अप्रैल फूल है मोड, जो कि डार्क लेक्जर की तरफ से आता है, अरिजीत शाह की तरफ से। सिक्योरिटी पैच मार्च 2022 की अपडेट की गई है, और कर्नल इसके अंदर डीगल का वर्जन 13 मिलता है, जो कि ओवरक्लॉक कर्नल है 2.21, और लिनक्स स्टेटस इसका परमिशिव आपको मिलेगा। एंड अभी हम यहाँ पे बात करें रेवन लायर की, तो यहाँ पे जैसे कि मैं नहीं दिखाने वाला, कोरवस पार्ट से सब आपका सेम रहेगा, उसके अंदर एफपीएस भी मिलता है, गेमिंग मोड मिसलेनियस में जैसे कि मिल जाता है, तो ये पूरा आपका सेम वही पहले वाला रहेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलती है, इसलिए जो है इसकी पूरी सेटिंग्स में ऐसे नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा बहुत जो है दिखा दे रहा हूँ, बाकी उतना सेटिंग्स में नहीं जा रहा, क्योंकि ये पूरा आपका सेम रहेगा, ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको अच्छे से काम करती हुई मिल जाती है। यहाँ पे जो कुछ वर्ग है वो आगे आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, थीम्स भी जैसे कि आपका सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं मिलती हैं। एंड नेटवर्क इंटरनेट के अंदर उसे आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइप पे काम करता है, बस कास्ट का इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम लगा है, काफ़ी ट्राई किया कनेक्ट नहीं हुआ। ऐप एंड नोटिफिकेशन की अगर बात करें, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्चर है वो आपको दो मिलता है, एक तो कोरवस का मिल जाता है, सेकेंड यहाँ पे वन प्लस का जो लॉन्चर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे विजेट्स भी आपसे एंड्रॉइड 12 की क्लॉक ऐड की गई हैं, और ये कुछ विजेट्स मिल जाएगा। वहीं वॉलपेपर की अगर बात करते हैं, तो वॉलपेपर आपको इसके अंदर डिफॉल्ट तो जो है कोरवस का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है कोरवस का मिल जाता है, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। और सेटिंग्स देखोगे तो सेटिंग्स भी उससे सेम रहेगी, बस इसके अंदर कुछ आइकन पैक भी ऐड किए गए, जैसे कि दो आपको यहाँ पे मिल जाता है, वन यूआई का मिल जाता है और एक और आपको कलर वाइज का देखने को मिल जाता है, ये आइकन पैक आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे, ये आपको थोड़ी चेंजेस मिलती हैं। और रिसेंट जैसे कि वन प्लस का है तो ये भी आपको वही रहेगा, फिलहाल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बैक करते चले बैटरी के अंदर, तो बैटरी की सेटिंग्स में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप की बात करें, बैटरी बैकअप के बारे में, तो 2 आवर 50% ड्राइनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद हमें यहाँ पे जो है 80% बैटरी देखने को इसके अंदर में मिली है। और यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले का सेटिंग्स है ये भी आपका पूरा सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता, ऑलवेज ऑन बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है, रोटेशन काम कर रहा है, टैप टू बैक भी काम कर रहा है। गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है गेम ड्राइवर आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना इसको। और अगर हम चलते हैं साउंड की तरफ, तो साउंड के अंदर यहाँ पे वाइब्रेशन, हैप्टिक, ये सब आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं, तो सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलता है इसके अंदर, फेस अनलॉक ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है, वो भी यहाँ पे लॉक करते टैप करोगे तुरंत तो काम नहीं करेगा, जैसे कि एंड्रॉइड 10 की पहले की रोम्स में सभी में था ये चीज़। वैसे सेटिंग्स में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, और रोम नॉट इनक्रिप्टेड ही रहेगा। और यहाँ पे डिजिटल वेल्बिंग ये भी हमारा अच्छे से काम कर, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिस्टम है इसके अंदर हमारे यहाँ पे जेस्चर में सेंसिटिविटी सेटिंग्स आपकी वही पहले वाली रहेगी, लेंथ आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, और थ्री बटन नेविगेशन अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे, यहाँ पे भी ऐसे कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं आता, स्मूथ ही रहेगा, तो यहाँ पे लैग वैग ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से और स्मूथ काम करता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेवलपर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। गूगल डिस्कवर ये भी अच्छे से काम कर रहा है। स्टेटस बार के अंदर भी आपका यहाँ पे जो है कोई भी लैग नहीं रहेगा, और इसके अंदर भी उसे कोरवस पार्ट्स मिल जाता है, उसके अंदर से ही एफपीएस इन्फो आप जो है इनेबल कर पाओगे, ऐसे अलग से टॉगल नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम पैनल ये भी सेम वही पहले वाला रहेगा। अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें, तो बिल्कुल फास्ट और यहाँ पे स्मूथ ऐप ओपनिंग मिल जाती थी, ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ रहने वाली है। और अभी के रोम के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो सभी से बेटर है, अभी की रोम जो आ रही है आपको देखने को मिलती है एंड्रॉइड 12 या फिर 12.1, सभी से बेटर रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि रिसेंट आप देख ही सकते हो वन प्लस लॉन्चर है, तो यहाँ पे किल ऐप, ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन, ये सब देखने को मिल जाएगा रिसेंट पे। और अगर हम कॉलिंग की बात करें, तो वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल कैरियर, वीडियो कॉल जियो जियो आप यूज़ कर सकते हो, वाईफाई कॉलिंग का लिए काफ़ी लोग पूछते तो काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आप मीडिया और कॉलिंग दोनों पे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड कैमरा इसके अंदर डिफॉल्ट में MIUI ऐड किया गया है, हालांकि इसके अंदर वाटर मार्क काम नहीं करेगा,
और इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो पैनोरामा मोड दिया गया है इसका भी प्रॉब्लम रहने वाला है, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो क्रैश कर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। वहीं वीडियो क्वालिटी की तरफ चलते हैं, तो एक बार आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी 1080p जैसे कि मिल जाती है। तो GKM आप इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पिक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग आप अच्छे से कर पाओगे, FM इसके अंदर काम करता है। हालांकि इसके अंदर मुझे ओके गूगल का भी प्रॉब्लम देखने को मिला, हालांकि GF इंक्लूडेड बिल्ड है ये, लेकिन यहाँ पे ओके गूगल मेरा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्ले स्टोर के बारे में, तो अब जैसे कि अरिजीत शाह के बिल्ड्स में प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको जो है प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड ही मिलता है, यानी कि सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास मिल जाते हैं, तो बैंकिंग ऐप विदाउट रूट भी यूज़ कर पाओगे। और एंटूडो स्कोर 166,951 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और अगर आप देखोगे CPU थ्रोटलेट तो 85% तक मिल जाता है। वहीं अगर हम गीगबेंच स्कोर की बात करें तो सिंगल में 322 मिलता है और मल्टी के अंदर 1368 देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। और जो इसके अंदर बूट एनिमेशन ऐड किया गया है वो भी डार्क एलेक्जर का ऐड किया गया है यहाँ पे, जैसे कि डार्क एलेक्जर यहाँ पे जो है ये बूट एनिमेशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। और बात करते हैं यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक में भी बाय डिफॉल्ट आपका स्मूथ पे 90% लॉक है, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक रहेगा। तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और यहाँ पे गेमिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ ट्विक्स भी, जो परफॉर्मेंस बैटरी इन सभी के जो है ट्विक्स जैसे कि ऐड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे फर्क आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और जो परफॉर्मेंस है जैसे कि कोरवस 5.5 की जो परफॉर्मेंस और 10.5 की काफी अच्छी है, तो इसके अंदर भी परफॉर्मेंस के मामले में अभी तो फिलहाल आपको कोई भी इसके टक्कर का देखने को नहीं मिलेगा। आप एंड्रॉइड 12 के किसी भी रोम से टक्कर करो, या फिर एंड्रॉइड 12 L की, या फिर एंड्रॉइड 11 वाली रोम भी आप चाहो तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप कर्नल चेंज करना चाहो तो इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, फिलहाल इसके डिफॉल्ट के साथ भी आपको जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में जैसे कि बताया, और इसका जो UI है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो मेन अगर आपको गेमिंग खेलना है, यहाँ पे गेम वोम खेलना है, तो UI भी अच्छी हो से और आपको जो परफॉर्मेंस इसका वो भी आपको अच्छा ही मिल जाता है। बस यहाँ पे किसी को अगर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ओल्ड बिल्ड है, उसे सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट 2022 का ही है, लेकिन बिल्ड तो ओल्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी लोगों को इससे भी दिक्कत होता है। फिलहाल अगर आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस रोम, तो अभी फिलहाल आप इसका यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है, ओल्ड बिल्ड है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आपको लेटेस्ट मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी तगड़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।